हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर आए हैं जिससे व्यक्ति का हकलाना एवं तुतलाना ठीक हो जाता है। हम हकलाने का कारण एवं लक्षण बताएंगे और इसका उपचार कैसे किया जाता है ये भी आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि हकलाना क्या होता है। हकलाने या तुतलाने का रोग अधिकतर नाड़ियों में किसी प्रकार के दोष उत्पन्न होने के कारण हो जाता है। यह रोग उन व्यक्तियों को भी हो जाता है जो एक हकलाने वाले व्यक्ति की नकल करते रहते हैं। हकलाने तथा तुतलाने के क्या लक्षण होते हैं? बोलते समय ठीक तरह से अक्षरों को न बोल पाना तथा रुक रुक कर बोलना तुतलाने तथा हकलाने का रोग कहलाता है। कुछ रोगियों में तो हकलाहट जरा सी होती है ये जो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है, तो कुछ मामलों में यह रोग बहुत पुराना हो जाता है तो रोगी को बोलने में बहुत परेशानी होती है। आइए हम आपको बताते हैं अब हकलाने व तुतलाने के क्या कारण होते हैं। जब किसी व्यक्ति की पेशियों तथा स्नायु का नियंत्रण दोषपूर्ण हो जाता है तो वह व्यक्ति बोलते समय शब्दों का उच्चारण ठीक तरह से नहीं कर पाता और वह रुक रुक कर बोलने लगता है। इस रोग के हो जाने के कारण रोगी की जीभ और होठों की आवश्यक गतिशीलता जो बोलने में उपयोग होती है तथा कठिनाई से पूरी होती है। इसके साथ ही स्वर यंत्र में आवाज पैदा हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति तुतलाने लगता है। हकलाने के रोग में व्यक्ति को हर शब्द में तो नहीं पर कुछ शब्दों के बोलने में उन्हें परेशानी होती है। आइए अब जानते हैं कि हकलाने तथा तुतलाने का प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार कैसे किया जाए। यदि कोई बच्चा हकलाने या तुतलाने के रोग से पीड़ित है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए उसे कुछ दिनों तक आंवला चबाने के लिए देना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोगी की जीभ पतली होकर उसकी आवाज साफ निकलने लगती है। इस रोग से पीड़ित रोगी को सुबह के समय 10 भिगोए हुए बादाम को छीलकर पीसकर मक्खन लगाकर मिश्री के साथ सेवन करना चाहिए। इससे यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। अगली चीज है, रोगी व्यक्ति यदि प्रतिदिन 10 काली मिर्च के दाने और बादाम की गिरी को पीसकर मिश्री में मिलाकर चाटे तो उसका तुतलाना तथा हकलाना रोग ठीक हो जाता है। अगली चीज है, रोजाना गाय के घी में आंवले का चूर्ण मिलाकर चाटने से भी तुतलाना तथा हकलाना ठीक होता है। अगली चीज, छुहारे को दूध में उबालकर और चबाकर खा लें तथा इसके बाद दूध पी लें। इसके बाद 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। इससे आवाज बिल्कुल साफ हो जाती है। यह क्रिया कुछ दिनों तक प्रतिदिन करने से रोगी का तुतलाना तथा हकलाना ठीक हो जाता है। तुतलाने तथा हकलाने का प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार करने के लिए रोगी व्यक्ति को कुछ दिनों तक फलों का रस, गाजर, सेब, चुकंदर, अनानास, संतरा पीकर उपवास रखना चाहिए। इसके बाद कुछ दिनों तक रोगी को फल, सब्जी, अंकुरित दाल का सेवन करना चाहिए। इससे रोगी को बहुत लाभ मिलता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को भोजन में कॉफी, चाय, मैदा, रिफाइंड चीनी, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सोयाबीन को दूध में डालकर उसमें शहद मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने से स्नायु की सूजन ठीक हो जाती है। इससे हकलाने तथा तुतलाने का रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। पानी में नमक डालकर प्रतिदिन स्नान करने से रोगी का तुतलाना तथा हकलाना दूर होता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को सुबह के समय में प्रतिदिन नियमित रूप से कोई हल्का व्यायाम करना चाहिए जिससे स्नायु को शक्ति मिल सके और वह सही तरीके से अपना कार्य कर सके। इस रोग से पीड़ित रोगी को सुबह तथा शाम के समय में खुली हवा में टहलने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को गहरी नींद लेनी चाहिए तथा कम से कम 7 से 8 घंटे तक जरूर सोना साथ चाहिए। तुतलाने के रोग से पीड़ित रोगी को प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार कराते समय अपनी मानसिक परेशानियां, भय, चिंता आदि को दूर कर देना चाहिए। यदि रोगी व्यक्ति किसी कार्य को करते समय जल्दी थक जाता हो तो उसे वह कार्य नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन शुष्क घर्षण आसन करने तथा इसके बाद स्नान करने से हकलाने तथा तुतलाने का रोग जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को झगड़ा, झंझट, वैवाहिक जीवन की असंगति, पारिवारिक क्लेश, आर्थिक कठिनाइयां, प्रेम संबंधी निराशा, यौन संबंधी कुशन योजन तथा क्रोध, भय आदि मानसिक कारणों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन सभी कारणों से रोग की अवस्था और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है।
आप शहद में काली मिर्च मिलाकर प्रतिदिन चाटने से हकलाना तथा तुतलाना ठीक कर सकते हैं। रात को सोते समय भुनी हुई फिटकरी को मुंह में रखकर सो जाएं और सुबह के समय उठकर कुल्ला कर ले। इस क्रिया को लगभग एक महीने तक करना है। इससे भी हकलाने और तुतलाने का रोग ठीक होता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को खाना खाने के बाद अपने मुंह में छोटी इलायची तथा लौंग रख लेनी चाहिए तथा जीभ को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। यदि कब्ज की शिकायत हो तो वह दूर हो जाएगी। हकलाने और तुतलाने के रोग से पीड़ित रोगी को मन से भय की भावना बिल्कुल निकाल देनी चाहिए तथा मन को सबल बनाना चाहिए। इस रोग से पीड़ित रोगी को रात के समय में शंख में पानी भरकर फिर सुबह के समय में उठकर उस पानी को प्रतिदिन पीने से यह रोग जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। हकलाने के रोग से प्रतिदिन एनिमल लेने से तथा इसके बाद गुनगुने पानी से गरारे करने से रोगी का गला साफ हो जाता है और उसका तुतलाना और हकलाना बंद हो जाता है। जबड़ों की पेशियों के कड़ेपन और होठों की गति मंदता के कारण भी हकलाने तथा तुतलाने का रोग हो जाता है। इसलिए रोग का उपचार करने के लिए रोगी व्यक्ति को अपने हाथ की तर्जनी उंगली को मुंह में डालकर नीचे के जबड़े को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाना चाहिए। इसके बाद पेशियों को ढीला छोड़ देना चाहिए जिससे जबड़ा अपने ही भार से नीचे की ओर चला जाए। जब यह क्रिया कर रहे हो उस समय गले में कोई गति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के व्यायाम प्रतिदिन करने से यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। हकलाने तथा तुतलाने के रोग को ठीक करने के लिए रोगी व्यक्ति को एक कुर्सी पर लिटाकर शरीर को सीधा तथा ढीला छोड़ देना चाहिए। उसके बाद चेहरे की पेशियों को ढीली करके जबड़े को नीचे गिरने देना चाहिए। इस अवस्था में रोगी व्यक्ति को अपनी जीभ मुंह की तली से सटाकर रखनी